बाल विवाह समाज के लिए चुनौती है जो बच्चों के सपने तोड़ देती है, लेकिन यहाँ इरादों की मजबूती की अलग ही मिसाल पेश की है। रामलाल ने पांचवे प्रयास में नीट क्रैक कर 632 अंक हासिल किए। 11 साल की उम्र में रामलाल का बाल विवाह हो गया था। पढ़ाई के लिए घर से भागा, परीक्षा से पहले पिता बना और अब बनेगा अपने गाँव का पहला डॉक्टर। रामलाल की पढ़ाई के लिए माँ ने अपने गहने तक बेच दिए। पिता दूसरों के खेत जोतते हैं तो माँ बेचा करती है चारा। पढ़ाई मेरे गांव से की है और फिर मेरी शादी मैं 10th पास करने से लगभग 5-6 साल पहले, लगभग 8-10 साल पहले ही मेरी शादी हो गई थी। लेकिन मुझे पढ़ना था इसलिए मैंने शादी को एक बहाना नहीं बनाया कि मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्ची है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मुझे पढ़ना था, मैंने मेरी जिद थी तो मैंने पढ़ाई की। फिर मैं 11th में मैंने बायो ली और फिर पढ़ाई की और फिर लेकिन 11th 12th रनिंग में मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना ही करना है। मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी, उसके बावजूद भी मैंने पापा से एक बार बोला तो पापा ने भी, घर वालों ने मना कर दिया कि बेटा हमारे पास पैसा नहीं तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन मेरी जिद थी तो पापा मम्मी ने जैस पैसे कर्जा वर्जा लिया, मम्मी के गहने बेच के मेरे को पढ़ाया। 1st अटैम्प्ट में LNC किया था, मतलब तो वहाँ से मेरा नहीं हुआ। 1st बार में तो मेरे अच्छे नंबर ही आए थे, 490 नंबर, लेकिन OBC कैटेगरी होने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर भी मेरे वहाँ के टीचरों ने मुझे कहा कि नहीं बेटा अगर मेहनत कर फिर हो जाएगा, तो उससे मेहनत भी अच्छी करता है। तो उन्होंने उनकी गाइडलाइन से मैं फिर 2nd अटैम्प्ट किया। फिर मैं मम्मी के जो गहने थे वो बेच दिए और फिर फीस भरी LN की। तो फिर मैंने 2nd अटैम्प्ट जो दिया तो उसमें मेरा अच्छे नंबर आए, 628 नंबर आए, क्योंकि वहाँ के टीचरों ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। वो कहते थे कि बेटा नहीं, और किसी चीज़ की ज़रूरत भी हो ना तो हमसे बोल देना, अगर किसी भी चीज़ की जरूरत, अगर थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति की जरूरत होगी ना तो हम तुझे सपोर्ट कर देंगे, लेकिन मेहनत तुझे ही करनी पड़ेगी। और आज मैं मेहनत के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हमें ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि आपने पास क्या समस्या क्या नहीं है। मेरी शादी होते हुए भी, शादी हो गई 8-10 साल पहले, तो भी मैंने पढ़ाई की है। तो आपके पास किसी के पास ऐसी कोई छोटी मोटी समस्या हो तो उसको कारण ना बनाए कि हम, मेरे पास ये समस्या थी इसलिए मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अब हर कोई बंदा कितनी बड़ी समस्या हो पढ़ सकता है और कर सकता है, क्योंकि मैं इतने छोटा गाँव से आया हूँ और मेरा गाँव में कोई पढ़ता लिखता नहीं। मैं मेरा गाँव का पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ।